तुला चॅप्टरचं नाव मेसेज केलं आहे बघ मी गुड इवनिंग चलो चलो लेट स्टार्ट नाउ फटाफट वेरी वेरी गुड इवनिंग चलिए बताइए ऑडियो वीडियो एक बार फटाफट चेक कर लीजिएगा इफ एवरीथिंग इज ओके देन वी स्टार्ट विथ आर टूडे सेशन बोलो ऑल गुड गाइस या लेट्स रॉक सो टुडे वी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर देन चैप्टर का नाम क्या है आज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आज क्या रिवाइज करना है बेटे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम दीपक केता गुड इवनिंग बोलते हैं या गुड नाइट बोलते हैं मैं तेरे को बाद में आराम से समझाता हूँ कि ग्रीटिंग्स जो है ना कब कैसे देते हैं फर्स्ट टाइम जब अपन मिल रहे हैं अभी इवनिंग में मतलब रात में भले ही तो हम लोग गुड इवनिंग बोलते हैं और जब जाते हैं जब बाय बाय बोलते हैं तब उस टाइम पे गुड नाइट बोलते हैं ठीक है ना ये ध्यान रखना बहुत काम में आएगा तेरे को ठीक है ओके थैंक यू थैंक मी लेटर बाय बाय चलो ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो अब दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की जब बात करते हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इसके ऊपर पांच नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है ठीक है सो सब लोग ध्यान देंगे बेटे जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं सो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है दो टाइप की कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स यहां पे अपने को देखने को मिलता है वो कौन से दो टाइप के कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स है सर चलो आप लोग सब जवाब देंगे कौन से दो टाइप के कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स है एक हम लोग बात करते हैं जो है नॉन इंटीग्रेटेड क्या बोलते हैं एक है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम और दूसरा जो है हम लोग बात करते हैं अबाउट इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम अब आपको मैं एक सवाल पूछूंगा कि सर नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड दोनों में डिफरेंस क्या है वॉट इज नॉन इंटीग्रेटेड एंड वॉट इज इंटीग्रेटेड सो नॉन इंटीग्रेटेड में अपन क्या कहते हैं फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड सेपरेटली सो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर मेंटेन्ड वॉट सेपरेटली और यहां पर अपन क्या बोलेंगे कि इंटीग्रेटेड एज द नेम सजेस्ट इंटीग्रेशन मर्जर होगा सो so इसको क्या बोलेंगे फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग records आर kept और मेंटेन्ड मेंटेन्ड टूगेदर ठीक है देव ठक्कर क्या हुआ बेटा आप बोल रहे हो बेकार किस चीज के लिए जान दो मैं आपका मूड ख़राब नहीं करना चाहता हूँ मैं पढ़ाना चाहता हूँ सो नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम्स तो यहाँ पे आपने देखा डिफरेंस क्या है दोनों में कि इट इज़ मेंटेन व्हाट सेपरेटली यहाँ पे क्या होता है इट इज़ मेंटेन व्हाट सेपरेटली एंड यहाँ पे क्या है ये साथ में है ये इट इज मेनटेन व्हाट टुगेदर ठीक है ओके okay. सो so, अंडरस्टूड what इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम यस sir. तो अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे अबाउट what नंबर 1 नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करेंगे अपन किसकी बात करेंगे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे तो एकदम मस्त आज समझने का है अपने को एकदम इजी बनाएंगे इस चीज को सो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की पहले चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है करके ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ध्यान देना अब जैसे हम लोग बचपन में अकाउंट सीखे हैं बराबर के नहीं सो so, जब हम लोग अकाउंट्स की बात करें सर इज इट एप्लीकेबल फॉर सी एम ए इंटर कॉस्टिंग यस बेटा टॉपिक सेम है कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप ये लेक्चर्स देख सकते हो नो no प्रॉब्लम सो so, अब जब अपन बात करते हैं अबाउट वाट अकाउंटिंग सो अकाउंट्स की जब बात करते हैं तो अकाउंट्स में आप सबको पता है कि तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं वो तीन टाइप के अकाउंट्स कौन से होते हैं रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट एंड लास्ट में अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट नॉमिनल अकाउंट बराबर के नहीं सो so, अकाउंट्स तीन तरीके के हैं कौन से तीन तरीके के अकाउंट्स हैं एक रियल अकाउंट है एक पर्सनल अकाउंट है और दूसरा नॉमिनल अकाउंट है तो रियल अकाउंट्स जैसे अपन बात करते हैं आपको एग्जाम्पल्स पता होंगे तो रियल अकाउंट्स जैसे हम लोग बात करते हैं कैश या कोई भी अपना एसेट अकाउंट जो होता है उसको अपन कहते हैं एज वॉट रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट की अगर अपन बात करें तो पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बॉस तो पर्सनल अकाउंट अपन बात करते है, example, account, हैं फॉर एग्जाम्पल लेटर्स से डेटर्स और लेटर्स से क्रेडिटर्स अकाउंट बराबर है और नॉमिनल अकाउंट की जब बॉस अपन बात करते हैं सो नॉमिनल अकाउंट्स आर बेसिकली वॉट वी टॉक अबाउट इज द एक्सपेंस और इनकम अकाउंट सो आप समझिए बात को जब हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो एकदम अच्छे से बेसिक लॉजिक आपका क्लियर करो कि देखो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं सर हम लोग कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं सो so यहाँ पे अपने को ये रियल या पर्सनल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है देखो हम लोग सब नॉन इंटीग्रेटेड में है कॉस्ट का अलग फाइनेंस का अलग तो जब मैं नॉन इंटीग्रेटेड और सिर्फ और सिर्फ फोकस करता हूँ किसके ऊपर कॉस्ट के ऊपर तो भाई जो ये बॉक्स में डाला हुआ है ना रियल और पर्सनल मेरे को उसका कोई लेना देना नहीं है मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप समझने की कोशिश करना यहाँ पे जो ये रियल और पर्सनल अकाउंट है जब हम लोग इसके जर्नल एंट्रीज पास करेंगे कोई भी नॉर्मल अपन जर्नल एंट्री पास करते हैं तो आप समझिएगा दिस रियल और पर्सनल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड विथ वॉट योर फेवरेट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इसको किससे रिप्लेस करेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या तो इसी को और एक नाम दिया जाता है वो है जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या बोलते हैं उसको जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट समझा क्या बेटा तो जब अपन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे तो कॉस्ट लेजर या जनरल लेजर ये नाम डालेंगे कौन से दो अकाउंट्स के लिए रियल या पर्सनल अकाउंट्स को क्योंकि हम लोग को रियल या पर्सनल से कोई लेना देना नहीं है हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किससे फोकस है नॉमिनल अकाउंट्स से तो जो भी अपने जर्नल एंट्रीज जो अपन बचपन में पास करते थे वो सारे के सारे वो जर्नल एंट्रीज वैसे ही रहेंगे सिर्फ और सिर्फ जब उस जर्नल एंट्री में रियल या पर्सनल का जिक्र होगा उसको स्ट्रेट वे सब्स्टिट्यूट कर देना है विथ वॉट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट यह समझ में आया आप सबको बोलो बच्चों यस सर एकदम बेस्ट है तो अब यह अगर आपको समझ में आ गया होगा बता दो मुझे क्या ये आपको ये चीज समझ में आ गई है क्या करना क्या है यह समझ में आया क्या कि जब हम लोग सेपरेट मेंटेन कर रहे हैं बराबर तो क्या कर रहे हैं ये आपको समझ में आया है ये कॉन्सेप्ट एकदम सही है सर बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर तो अब बस अपने को जर्नल एंट्रीज के बारे में बातचीत करनी है ठीक है आप बोलते जाइएगा मैं लिखते जाऊंगा तो सबसे पहले हम लोग अभी चर्चा करते हैं किसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट वॉट मटेरियल के बारे में बातचीत करते हैं अब बहुत आसान है सर अभी बहुत आसान है एकदम मस्त एकदम फोकस करेंगे सो पहले मटेरियल की बातचीत करेंगे ठीक है सो मटेरियल में पहला अपना जर्नल एंट्री क्या करेंगे बताइए अपन ने क्या किया मटेरियल को परचेस किया तो आप मुझे एंट्री बता दीजिएगा मटेरियल परचेस की एंट्री क्या करते हैं अपन मटेरियल परचेस्ड परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट या टू क्रेडिटर अकाउंट ऐसा एंट्री पास करते कि नहीं यस yes, सर तो सिंपली अभी क्या करेंगे मटेरियल के लिए अब अपन एंट्री पास करेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कॉस्टिंग में कंट्रोल माने खर्चा जिसको अपने को कंट्रोल करना होता है सो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू अब मुझे बताइए यहां पे टू किसको डेट टू क्रेडिटर डालू क्या इसको नहीं सर ऐसे क्या बोल रहे हो टू कैश और बैंक डालू क्या इसको नहीं सर अपन ने अभी बात करी थी कि जब कोई भी रियल या पर्सनल अकाउंट होगा उसको रिप्लेस करेंगे विथ वॉट बताइए टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट सो यहां पे लिख देंगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बराबर है और नरेशन में क्या लिख देंगे मालिक बीइंग मटेरियल परचेस्ड बीइंग मटेरियल परचेस्ड एकदम शॉर्ट है बराबर कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर अब यहां पे मटेरियल परचेस किया अब ये जो भैया मटेरियल हमने परचेस किया अब इसको किधर भेजना पड़ेगा अपने चिंटू के पास भेजना पड़ेगा ना स्टोर कीपर के पास वो एंट्री करता ना मटेरियल रिसीव एंट्री करता क्या नहीं करता हो? करता ना सर तो यहां पे अब वो चिंटू जब मटेरियल रिसीव करेगा सो एंट्री क्या पास करेंगे अपन सो ये चिंटू अपने स्टोर्स लेजर में एंट्री करेगा सो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और ये कहां से आया है इसको मटेरियल सर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से सो यहां पे एंट्री पास करेंगे टू वॉट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट समझा बात को और यहां पे जर्नल एंट्री पास होने के बाद नरेशन क्या लिखेंगे बींग मटेरियल ट्रांसफर्ड टू वॉट स्टोर्स डन है एकदम यस yes, सर क्या आपको ये सेकेंड एंट्री समझ में आया दोस्तों इफ यस टेल मी देन वी गो एड सो स्टोर्स लेजर में ट्रांसफर हुआ तो उसने रिसीव करा डेबिट और कहां से आया सर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से आया तो उसको क्रेडिट कर देंगे सही है एकदम यस सर अब इस दौरान जब चिंटू को मटेरियल मिल जाता है तो चिंटू देखता है कि यार ये मटेरियल जो है ना डिफेक्टिव है यार ये जो हमने मंगवाया था ना वो वैसा नहीं है या मेरे को जो है ना एक्सेस मटेरियल मिला हुआ है ओ हो 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 तो अभी इसको रिटर्न करने का है बहुत सही बोल रहे हो सर रिटर्न करना पड़ेगा इसको रिटर्न so करने का है तो एंट्री क्या पास करेंगे रिटर्न की तो रिटर्न मतलब वो जो सप्लायर है उसको मिलेगा ना तो हम लोग क्रेडिटर अकाउंट डेबिट ऐसा कर सकते हैं क्या नहीं सर हम लोग तो कॉस्टिंग में है तो यहां पे एंट्री अपन पास करेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ये कहां से गया ये स्टोर्स में से गया सो टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट समझ में आया आप सबको बिल्कुल सही है सर तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे बींग मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर इजी लग रहा है यहां पे तीन जर्नल एंट्रीज खत्म हो गई बराबर है एकदम यस सर अभी बॉस यहां से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फोर्थ जनरल एंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ठीक है सब लोग ध्यान देना अभी बात होती है किसके बारे में इशू ऑफ मटेरियल के बारे में बात होती है अभी किसकी बात होती है इशू ऑफ मटेरियल की अब इशू ऑफ मटेरियल की जब बात करते हैं तो बॉस यहां पे मुझे जरा एक फटाफट बताओ दो टाइप के मटेरियल इस दुनिया में पाए जाते रहे भाई मटेरियल जो होंगे वो दो टाइप के होंगे ना वो कौन से दो टाइप के होंगे सर एक होगा डायरेक्ट मटेरियल और मेरा बच्चा दूसरा कौन सा मटेरियल होगा वेरी गुड दूसरा होगा इनडायरेक्ट मटेरियल अब अपन डायरेक्ट मटेरियल को जब इशू करते बेटा तो एंट्री क्या पास करेंगे इसकी डायरेक्ट मटेरियल अगर इश्यू कर रहे तो अब जब मटेरियल इशू हो रहा है अब थोड़ा लॉजिक लगाने का दिमाग लगाने का अब भाई मैं मटेरियल इश्यू कर रहा हूं प्रोडक्ट बनाने के लिए भेज रहा हूं तो यार ये डायरेक्ट मटेरियल कहां जाएगा ये वर्क इन प्रोग्रेस के लिए जाएगा फिनिश गुड्स के लिए जाएगा किधर जाएगा यार ये मटेरियल में पहले अभी लगा रहा हूं मटेरियल लगा रहा हूं सर मस्त और एक्टिंग कर रहे थैंक्स ध्यान दो आप जवाब दीजिएगा ये डायरेक्ट मटेरियल में लगा रहा हूं इसको ये कौन से स्टेज में रहेगा जब ये मटेरियल अभी लग रहा है मटेरियल ये प्रोडक्ट जो है वो कौन से स्टेज में रहेगा डब्ल्यू आई पी में या फिनिश गुड्स में सर विषय क्या सर इट विल बी वॉट इन डब्ल्यू आई पी स्टेज सो यहां पर हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट सही है एकदम यस सर और ये मटेरियल आया कहां से सर आया कहां से मतलब स्टोर से आया ना तो यहां पे लिखेंगे टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट सही है एकदम इसका नरेशन बेटे क्या लिखेंगे बीइंग मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन बींग मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन क्या बच्चों ये आपको समझ में आया आप सबको मस्त समझ में आया अब इनडायरेक्ट मटेरियल की जब बात करते हैं सो so, ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हुए रहे ये इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब इसको क्या बोलते हैं सर इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब ओवर बोलते हैं इसको ऐसे क्या पूछ रहे हो आप आता है हमको सो ये ओवर होती है ना तो मेरा बच्चा यहाँ पे आपको बहुत सावध रहना है यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट ओवर ये तो बेटा जब ओवर की बारी आती है तो यहाँ पे दो चीजें होती है सब लोग ध्यान से सुनना एक जो होवे है ये होता है ओवरहेड्स को हमने एब्जॉर्ब किया सो so, एक ओवर हेड्स एब्जॉर्ब और दूसरा जो होता है जो ओवर का एक्चुअल खर्चा सो वन इज ओवर हेड्स एब्जॉर्ब एंड अनदर इज ओवर एक्चुअली इनकर्ड बराबर के नहीं तो एब्जॉर्ब मतलब आप समझिए आपने कितना खर्चा बुक किया बराबर एब्जॉर्ब मतलब क्या कहते हैं कितना खर्चा आपने बुक किया ओवर हेड्स बुक्ड उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब और एक्चुअल की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है इसको एक्चुअल के लिए बोलते हैं इट इज व्हाट ओवर हेड्स या इट इज व्हाट वी से वी टॉक अबाउट इज ओवर हेड्स इनकर्ड इसको क्या बोलते हैं ओवर हेड्स इनकर्ड क्लियर है एकदम यस yes. सो so, दो टाइप के खर्चे एब्जॉर्ब एंड वॉट इनकर्ड यहां तक कोई क्वेरी डिफिकल्टी है अब ये मटेरियल की बात चालू है सो so, वैभव साहब ये प्रोडक्शन ओवर हेड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड इसको ओल्ड पे रखो बराबर इसकी बात नहीं हो रही क्लियर एकदम या सो नाउ वी टॉक अबाउट इस ओवर हेड एब्जॉर्ब ओवर हेड मतलब आपने कितना खर्चा बुक किया तो भाई कितना खर्चा बुक करा आपने तो बुक जब कर रहे हैं खर्चा तो ये माथे पे डाल रहे खर्चा हम लोग बुक कर रहे हैं तो ये कहां पे बुक करेंगे अपन ये कहां पे बुक करेंगे अपन बताइए ये।, ये किधर बुक करेंगे अपन बोलो तो सही कुछ चलो 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 बोलो बोलो ये किधर बुक करेंगे अपन सो तो ये हम लोग डब्ल्यू को बुक करेंगे सो एंट्री अपन क्या पास करेंगे यहां पे सो यर द एंट्री वुड बी फटाफट बोलेंगे सब लोग डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंट्री क्या पास करेंगे ये खर्चा बुक कर रहे हैं ना अपन ये खर्चा क्या कर रहे हैं अपन बुक कर रहे हैं सो एंट्री पास करेंगे डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट और ये जो है मटेरियल का खर्चा है मटेरियल का इनडायरेक्ट खर्चा ही है ये तो इसको अपन क्या बोलेंगे इसको डब्ल्यू आई पी को तो डेबिट होगा क्योंकि बुक हम लोग डब्ल्यू आई पी को कर रहे बट टू वॉट टू वॉट तो ये ओवर एड है अरे वेजेस कैसा बोल रहे थे तुम लोग क्या पागल पिगल है क्या ये पूर्णा ये मेरा बच्चा कैसा उसको वेजेस टू वेज कैसा बोल रहे है? भाई मटेरियल है मटेरियल और वेज में अंतर है कि नहीं है मिस्टेक हो गया गलती से ऐसा मिस्टेक नहीं होना एग्जाम में मटेरियल का है ना ये खर्चा तो ये हमने खर्चे को बुक किया बट कहाँ से आया होगा ये इमेजिन करो ना ये अपना फैक्ट्री ओवर है ना अकाउंट ये इनडायरेक्ट है मतलब ओवर है और मटेरियल डायरेक्ट है फैक्ट्री ओवर है तो अगर मैं इसको डब्ल्यू अकाउंट को इमेजिन करो तो अगर मैं फैक्ट्री ओवर खर्चा डब्ल्यू को फैक्ट्री ओवर बुक कर रहा हूँ तो क्रेडिट किसको करूंगा क्रेडिट किसको करूंगा हाँ फैक्ट्री ओवर को सो so एंट्री का पास करेंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट अकाउंट बात को सो so, यहां पे हम लोग क्या करेंगे नरेशन क्या लिखेंगे बीइंग बीइंग क्या बोलूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज्ड टू प्रोडक्शन इसीलिए आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है खर्चा जो अपन बुक कर रहे हैं या जो खर्चा अपन एब्जॉर्ब कर रहे हैं सही है एकदम सही है एकदम सो डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवर एड अकाउंट बींग फैक्ट्री ओवर एड चार्ज टू प्रोडक्शन गाइस मेरे को बता दो यहां पे कुछ क्वेरी है क्या चला बोला कुछ भी क्वेरी है तो बोल दीजिएगा सिंपल है अभी ये तो जैसे जैसे अभी ये एब्जॉर्ट में एब्जॉर्ट में क्या होता है जैसा जैसा अपन खर्चा बुक करते जाते हैं मतलब सॉरी जैसा जैसा अपन यूनिट्स बनाते जाते हैं वैसा वैसा हम लोग एक अपने एस्टिमेटेड ओवरहेड रेट के बेसिस पे हम लोग वो खर्चा क्या कर रहे हैं सर उसको हम लोग बुक करते जा रहे हैं बट साल के अंत में या वो रेलेवेंट पीरियड के अंत में क्या होता है हम लोग एक्चुअल खर्चा अपने को पता चलता है या एक्चुअल भी हम लोग इनकर करते जाते हैं तो जो एक्चुअल खर्चा होता है मेरी जान तो वो कहां पे डेबिट करेंगे अपन सर उसको डेबिट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एक्चुअल खर्चा इनकर हुआ ना अरे समझा क्या बात को एक्चुअल खर्चा इनकर हुआ ना अभी तो एक्चुअल खर्चा अगर जब हो रहा है तो उसको इनकर कर रहे है. तो उसको एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे ना नॉर्मल अपन कोई भी एंट्री पास करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक तो जब एक्चुअल हो रहा है तो इसको एक्चुअल एक्सपेंस खर्चे में डालेंगे सो तो वो एक्सपेंस का खर्चा कौन सा होगा फैक्ट्री ओवर डेबिट और ये कहां से कैश या बैंक से होगा या क्रेडिट पे लिया होगा बराबर तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे टू बट यहाँ पे कॉस्ट लेजर यहाँ पे कॉस्ट लेजर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मटेरियल का है और मटेरियल का खर्चा यहां पे आप समझिए ये मटेरियल जो हमने परचेस किया इसका ये एंट्री पास हो गया ना डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो मटेरियल परचेस करके ये खर्चा हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया ना यहां पे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो ये बुक का तो कर दिया ना अपन ने इसलिए यहां पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू कहां से आए ये स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट नरेशन में क्या लिखेंगे इसको बोलो बीइंग क्या बोलेंगे मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन बीइंग इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड टू व्हाट इशू टू प्रोडक्शन चलो अरे पहले यहां तक समझो अनुराग भाई थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते रहे यार थोड़ा समय से आगे नहीं जाएंगे भाई बराबर समय से आगे नहीं जाएंगे सो so, आपको बुक्ड और इनकट का एंट्री समझा गया यहां तक कुछ क्वेरी है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा इफ नॉट देन वी गो है मुझे इतना बता दो इसमें कोई क्वेरी है क्या एकदम सही है समझ गए बहुत सही सो so, अनुराग भाई आपको यह भी समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप अभी चलेंगे अभी आगे बढ़ते हैं अभी सिर्फ अनुराग भैया के लिए यहाँ पे ये जो काम हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अनुराग के लिए बाकी किसी के लिए नहीं है अभी देखो भैया इनमें डिफरेंस होगा इनमें जो है वो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे चलो चलो एनीगे यस इट इज़ जस्ट फॉर अनुराग भैया नाउ सो so यहाँ पे जो डिफरेंस होगा दिस डिफरेंस विल बी नथिंग बट कॉल्ड एस वॉट सर सिंपल इसको एक तो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे इसको खत्म रे भाई और अकॉर्डिंगली उसका एंट्री हम लोग पास करेंगे इसको ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन बोल देंगे जो डिफरेंस रहेगा वो खत्म अनुरागी स्व हैप्पी लव यू ब्रो इसको जो डिफरेंस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन सो so, ये दोस्तों ये दोस्तों जो डिफरेंस होगा ना बिटवीन व्हाट इज एब्सॉर्ब एंड व्हाट इज बुक किया और जो एक्चुअली इनकर किया उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे अच्छा हाँ ये हाँ ना भाई बस क्या यही तो यही तो स्माइल देखने का अपने को ये मजा आया कि नहीं सब बच्चों के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए ये बिना बात बेस्ट लेट्स गो एट फ्रॉम यर नाउ सो so, यहां से अभी अपन फिफ्थ स्टेज पे चलते हैं अभी कभी कभी क्या होता है मटेरियल जो है अभी स्टोर में आया है स्टोर से आके प्रोडक्शन को गया है बराबर सर फैक्ट्री ओवरहेड एंड फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डिफरेंट है या सेम सेम है भाई क्या कर रहे हैं यार मेरा बच्चा क्या करता है ऐसा ले तेरे लिए बस ओके नाराज नहीं होने का ऐसा निश गुप्ता जी नाराज नहीं होने का ऐसा ऐसा क्या भाई सो अभी कभी कभी क्या होता है जो हमने प्रोडक्शन को भेजा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अब क्या होता है कभी कभी वो एक्सेस हो जाता है उनके पास वो क्या हो जाता है भाई उनके पास एक्सेस हो जाता है एक्सेस बराबर के नहीं सो एक्सेस होने के वजह से क्या हो जाता है वो लोग उसको वापस भेज देते हैं उसको बोलते हैं लेके जाओ वापस तुम्हारा मटेरियल तो जब रिटर्न करते हैं स्टोर्स पे आ जाता है वापस बराबर तो एंट्री क्या पास करेंगे रिसीव कौन हो करा स्टोर लेजर तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू अगर ये डायरेक्ट है तो कहां से आएगा डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट और अगर इनडायरेक्ट है तो कहां से आएगा फैक्ट्री ओवर हेड कंट्रोल अकाउंट तो यहां पे आप सबको बता दू बस डब्ल्यू से कौन सा अमाउंट लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल वाला और फैक्ट्री ओवर में इनडायरेक्ट मटेरियल वाला करेक्ट है एकदम यस सर सो इसका जो है नरेशन क्या लिखेंगे बीइंग मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स बेस्ट एकदम बीइंग मटेरियल रिटर्न टू स्टोर सही है एकदम सो so, ये मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर के पास आया तो उसका ये एंट्री पास किया हमने एक और इंस्टेंस ऐसा देखा था कि एक जॉब दूसरे जॉब को ट्रांसफर करता है तो उसका एंट्री क्या पास करेंगे जॉब टू अकाउंट डेबिट बराबर टू जॉब वन अकाउंट और इसको हम लोग निरेशन क्या लिखेंगे बींग मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्रॉम जॉब वन टू जॉब टू अभी ये ध्यान में रखना भाई ये ध्यान में रखना जॉब टू जॉब वन ये जो बात हो रही है ना इधर अपन एंट्री पास कर रहे हैं इसकी बट जब आप चैप्टर नंबर वन मटेरियल कॉस्टिंग की जब बात करते हैं अपन तो उसमें स्टोर्स लेजर में इसका कुछ भी इफेक्ट मत देना भाई क्योंकि वो चिंटू इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो वो डिपार्टमेंट अपना अपना देख लेंगे उसको ठीक है ना हा सो जॉब टू अकाउंट डेबिट टू जॉब वन अकाउंट बिंग मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम जॉब वन टू जॉब टू क्लियर है एकदम बात यस सर चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट सेवेंथ अभी क्या बोलेंगे कभी कभी मटेरियल जो है हम लोग ने क्या करा इसको डायरेक्टली परचेस किया फॉर प्रोडक्शन So, क्या कहते हैं मटेरियल डायरेक्टली परचेज फॉर प्रोडक्शन के लिए एंट्री क्या पास करेंगे डायरेक्टली वो मतलब कोई रूट होके नहीं आएगा यहां वहां से सो so, अपन एंट्री क्या पास करेंगे डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट क्या एंट्री पास करेंगे डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नरेशन में क्या लिखेंगे यहां पर being material directly purchased for production being material directly purchased for production sahi hai ekdam yes sir and my dear friends ये देखो यार मजाक मजाक में इतना पढ़ लिया अपन बहुत बहुत भारी सर तो ये वो जर्नल एंट्रीज है सर जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे तो ये ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के मटेरियल के सारे एंट्रीज पूरे हो जाते हैं वाह यार सर मजा आ गया मजा ही आ गया शाल बी प्रोसीड फ्रॉम यर बोल दो यस बहुत शानदार अब यहां से आगे बढ़ते मटेरियल के एंट्रीज आपको समझ में आ गए होंगे मटेरियल के एंट्रीज अगर समझ में आ गए तो अभी कामगार के पास चलते हैं लेबर की बात करते हैं अभी चलो सॉबी so, एंट्रीज की बात करेंगे किसकी भैया लेबर के बारे में मजा आएगा सर लेबर के बारे में चर्चा करेंगे सर लेट्स डू इट सॉ पहला एंट्री लेबर का अभी लेबर को पैसा दिया रे अब लेबर को पैसा दिया तो लेबर को पैसे देने का एंट्री क्या पास करेंगे बाबा लेबर को पैसा दिया तो उसको पैसा देने का एंट्री एंट्री क्या देंगे बताओ रितिक गुप्ता सर आपकी मैराथन की वजह से आई स्कोर सेवेंटी थ्री इन कॉस्टिंग ब्रो। सो प्राउड ऑफ यू कॉन्ग्रेचुलेशन आई एम सो हैपी सो जस्ट कीप ऑन पासिंग दिस गुड मैसेज देन है ना अदरवाइज किड्स कम टू नो हाउ गुड आई टीच चलो सो so, लेबर की बात करते हैं अभी बिकॉज यू आर माई इंटेंजिबल एसेड किड्स तुम है तो मैं है तुम नहीं तो मैं नहीं बहुत डीप है ये ठीक है चलो ऐसे ही सब पास होने का मस्त है एकदम रॉक करने का चलो सो so, बात होती है अभी लेबर के बारे में मेरी तारीफ बाद में करूंगा मैं अभी <laughs> अभी बात करते हैं लेबर के बारे में सो लेबर के बारे में बात क्या हुई यहां पे अब लेबर को पैसा दिया बराबर सो लेबर की जब बात करते हैं तो उसको पैसा दिया तो क्या होगा एक्सपेंस हो गया नहीं सो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट बराबर टू अब इसको पैसा दिया इसको इसको पैसा दिया इसको या उसको एक्सपेंस पेबल अकाउंट में जाएगा तो इसको एंट्री का पास करेंगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट सो वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बराबर है नरेशन में क्या लिखेंगे यहां पे बीइंग वेज पेड बीइंग वेज पेड और वेज व्हाट इनकर्ड ठीक है सो बींग वेज इज पेड और इनकर्ड करेक्ट है एकदम यस सर सो ऐसा मामला है अभी इसका सेकेंड एंट्री अब भाई हेलो 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 वेट ऐसा ये होने के बाद जैसे मटेरियल का एंट्री पास कर लिया अब ऐसा लेबर का सेकेंड एंट्री इसको लेबर को स्टोर में नहीं भेजना भाई नहीं, नहीं 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 अरे लेबर को कैसा स्टोर में भेजेगा क्रेजी और वॉट नो 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 सो so, लेबर को ऐसा स्टोर में नहीं बेचने का तो अभी डायरेक्टली वेजेस का खर्चा अपने को वापस से अभी इसको बुक करने का है तो यहाँ पे वेजेस का खर्चा भाई दो टाइप का खर्चा होवेगा वेजेस भी दो टाइप के चलो फटाफट बोल दीजिएगा वेजेस कौन से दो टाइप के सर बेस्ट है एकदम वेजेस दो टाइप के एक होवेगा कौन सा डायरेक्ट वेजेस और दूसरा होगा कौन सा इनडायरेक्ट वेजेस जो अपने ओवर है मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे ही वेजेस क्या होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा सो so, ये अपना इनडायरेक्ट वेजेस क्लियर है एकदम यस सर पहले डायरेक्ट वेजेस का एंट्री पास कर लेते हैं चलो सो डायरेक्ट वेजेस का एंट्री क्या बोलेंगे डायरेक्ट वेजेस तो किधर इसको किधर अप्लाई करने का ये डायरेक्ट वेजेस को सो डायरेक्ट वेजिस को सर अप्लाई करेंगे किधर डब्ल्यू अकाउंट को सो डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू किधर से आएगा ये अभी वेजिस कंट्रोल अकाउंट से सो टू वेजिस कंट्रोल अकाउंट मेरा बच्चा इसको नरेशन में क्या लिखेगा अरे बींग क्या बोलेंगे वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन बीइंग वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन बीइंग वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन तो ये डायरेक्ट वेजेस का एंट्री हो गया डायरेक्ट डब्ल्यू के माध्यम पे डाल दिया बीइंग वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन अब इनडायरेक्ट अब अनुराग भैया इनडायरेक्ट की बात हो रही है सर यहां पे, सो so, फिर से यहां पे इनडायरेक्ट की जब चर्चा होगी तो मेरा बच्चा यहां पे इनडायरेक्ट दो बातें होंगी ना ने? बोल दो जरा दिल में जो है छुपा क्या लिखेंगे यहां पे? एक क्या बोलेंगे सर जो एक हमने ओवर को क्या किया है इधर क्या लिखे थे एब्जॉर्ब तो यहां पे लिखेंगे ओवर एड्स विच आर एब्सॉर्ब एब्स मतलब अपन क्या कहते हैं ओवर एड्स विच आर बुक्ड और एक अपन बात करते हैं एक्चुअल ओवर एड्स जो हम लोग बात करते हैं द ओवर एड्स विच आर वॉट इनकर्ड बराबर है एकदम यस सर सो एब्जॉर्ब बुक्ड एक्चुअल इनकर्ड खत्म अभी मेरा बच्चा ध्यान से सुनना है। ये जो लेबर की बात करते हैं ना भाई लेबर बेटा आदित्य गौतम कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा आपका पहला अटेम्प्ट आदित्य गौतम आदित्य गौतम साहब प्लीज जरा थोड़ा विस्तार में बताएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्यों समझ में नहीं आ रहा आप पहली बार कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ओवर यर माई ऑडिटर इज जागिंग अंदर का ऑडिटर बाहर आ रहा है दिस इज अ रिविजन बैच नॉट इवन अ फास्ट ट्रैक बैच फास्ट ट्रैक और रिविजन के बीच में का है ये मामला कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं यहां पर और यदि आपका पहला अटेम्प्ट है या कुछ ऐसा है तो सर जी नहीं हो पाएगा आपसे बाकी रेस्ट एवरी वन ओके कैसा रे मतलब तुम देखते ना कैसा मतलब सो एब्जॉर्ट बुक एक्चुअल इनकर्ड सभी दोस्तों चलो आदित्य गौतम जी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन ठीक है सो so, यहां पे मेरी बात को समझिएगा दोस्तों ओवर जो है वो यहां पे जो वेजेस है ये अलग अलग है ये मतलब प्रोडक्शन का लेबर हो सकता है प्रोडक्शन से रिलेटेड लेबर हो सकता है हो सकता है सर फिर आगे हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवर से रिलेटेड लेबर हो सकता है यस सर जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टू वॉट प्रोडक्शन एक्टिविटी उसका लेबर हो सकता है यस सर हो सकता है क्या दोस्तों ये जो लेबर है क्या ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है क्या यस सर तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये इनडायरेक्ट हो सकता है अरे ये मैं क्यों बोलता हूं मालूम है क्या अभी ये कुछ कहीं से तो भी कुछ तो भी आते हैं एक जन देखता है ऐसा लेक्चर और वो सीधा जज कर देता कुछ नहीं समझ में आ रहा मतलब हर्षद सर को पढ़ाने नहीं आता एंड uh, फिर सीधा बोलते हैं अरसद सर पढ़ाते नहीं अच्छे तो वो इधर ऐसा हर्ट होता रहे तो इसके लिए फिर मेरे को ऐसे वो प्यार से बच्चों को समझाना पड़ता है तो वैसा है तो तुम समझो यार अभी मन की बात है मेरी ठीक है चलो तो इनडायरेक्ट वेजिस जो है ये कौन से कौन से हो सकते हैं प्रोडक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन का ये लेबर जो है ये लेबर अलग अलग डिपार्टमेंट के हो सकते हैं ना तो जैसे जैसे जहां जहां उस उस डिपार्टमेंट का आएगा उस उस डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग लिख देंगे उसके बारे में ठीक है सो पहले प्रोडक्शन के बारे में लिखते हैं सो प्रोडक्शन का बॉस अपन ने क्या करा प्रोडक्शन का पहले अपन ने एब्जॉर्ब किया तो प्रोडक्शन का है इसके लिए किधर डेबिट करूंगा इसको डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट बराबर है और प्रोडक्शन का है तो किधर जाएगा टू वॉट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट सही है नरेशन क्या लिखेंगे बींग प्रोडक्शन ओवर हेड्स चार्ज टू डब्ल्यू बीइंग बींग प्रोडक्शन ओवर हेड्स चार्ज टू डब्ल्यू ऐसा तो यह पार्ट समझ में आया आपको डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवर कंट्रोल अकाउंट बींग प्रोडक्शन ओवर चार्ज टू वॉट डब्ल्यू आई पी एकदम सही है ठीक है यस yes, सर अभी यह हमने चार्ज किया बट एक्चुअल में जब इनकर किया ये खर्चा तो इसका एंट्री पास करना पड़ेगा ना अपने को बराबर एक्चुअल में एंट्री पास करेंगे इसको तो एक्चुअल का एंट्री क्या बुक करेंगे बताओ मेरे को एक्चुअल खर्चा बुक हुआ है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कौन सा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट है यहां पे फैक्ट्री ओवर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू अब ये एक्सपेंस है बट एक्सपेंस ऑलरेडी इसका पे कर दिया था तो यहां पे टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट सही है एकदम टू वॉट वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्योंकि ऑलरेडी इसका पे हो चुका है ना यहां पे ऊपर हमने ऑलरेडी पास कर दी थी एंट्री ये वाला वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर फिर से आपके लिए यहां पे लिख दू कि चाहे वो डायरेक्ट हो या चाहे वो इनडायरेक्ट हो एंट्री तो यही पास होंगी इसकी बराबर सही है एकदम यस सर चलिए आगे बढ़ते हैं सर इन दोनों का डिफरेंस अनएब्सॉर्ब अरे वाह क्या बात है अनुराग फुल फॉर्म में आ गया तू सो यहां पे आप क्या लिखेंगे बीइंग? पहले इसकी एंट्री निपटा देते बेटा सो बीइंग ओवरहेड्स, क्या बोलेंगे बीइंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इनकर्ड Being प्रोडक्शन ओवर हेड्स इनकर्ड ठीक है और अब अपने अनुराग भैया ने बोल दिया है कि यहां पे इसका जो डिफरेंस हो गए हैं सो इसको किधर डालने का बोलो सो डिफरेंस जो होगा दिस विल बी ओवर या अंडर एब्सॉर्ब एकदम बेस्ट है द डिफरेंस विल बी ओवर और अंडर एब्जॉर्ब सो अभी हम लोग प्रोडक्शन के स्टेज पे आके रुकते हैं मतलब एंट्रीज इसकी प्रोडक्शन की मतलब जैसा अपना कॉस्ट शीट में जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन या जैसा जैसा कॉस्ट शीट के सीक्वेंस में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वैसा वैसा इनका एंट्रीज अपन पोस्ट कर देंगे ठीक है ना नमन गोयल सर बता दीजिए ना क्या ये बैच फ्री है अगर नहीं तो बता दीजिए मुझे लेना है गाइज हुई ऑन द यूट्यूब प्लीज हेल्प नमन नमन इज आस्किंग द क्वेश्चन एंड यू आर नॉट रिप्लाई क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं इसके लिए नमन बाबू ये जो मे ट्वेंटी थ्री एग्जाम होवेगा जो बच्चे पिछले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किए हैं या जो मे ट्वेंटी थ्री फर्स्ट टाइम देंगे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है और वो अभी रिविजन करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट का उनके लिए ये बैच है जो नवंबर 23 में फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उनके लिए ये बैच नहीं है उनके लिए बकायदा थर्टीन फेब से बैच स्टार्ट होगी चलो बाकी ये तो कॉन्सेप्ट वाला बैच तो है ये फ्री है तो वो तो रोज ही ले रहा हूं मैं तो अभी बचपन में बोल दिया उसको तो ठीक है हम्म सो ये हम लोग यहां तक पहुंचे यहां तक कोई क्वेरी है क्या दोस्तों नो सर यहां तक कोई क्वेरी नहीं है सो लेबर का पहला ये मामला तो सेट है लेबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब लेबर थोड़ी ना ऐसा रिटर्न हो सकता है या लेबर थोड़ी ना हो सकता है एक्सेस आ गया लेबर ऐसा कुछ भी नहीं है ना कुछ भी ऐसा लेबर का कुछ ही नहीं है वैसा बेस्ट है एकदम तो। ये हो गया अब भाई आगे बढ़ते हैं अभी तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस अभी हम लोग तीसरा सो अभी तीसरा जो है अब अपन बात करेंगे किसके बारे में डायरेक्ट एक्सपेंसिस के बारे में डायरेक्ट so, एक्सपेंसेस अभी भाई एकदम बेस्ट है दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस एकदम सिंपल डायरेक्टली डब्ल्यू को बुक कर देने का डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नरेशन में क्या लिखेंगे बींग डायरेक्ट एक्सपेंसिस इनकट ब्रो बींग डायरेक्ट एक्सपेंसिस इनकर्ड डन है एकदम यो तो यहां पे हमने अभी तक कौन से एंट्रीज को समाप्त किया है हमने डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर बट इनडायरेक्ट लेबर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लियर है एकदम यस सर डन खत्म अब यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे आज का एक घंटा समाप्त कल मिलेंगे और कल हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जनरल ओवरहेड्स फिर उसके बाद वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करेंगे फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फिर वो सेल्स में ट्रांसफर करेंगे और कल पूरा लैटर पार्ट ऑफ दी जर्नल एंट्रीज नॉन इंटीग्रेटेड का समाप्त होगा और कल हम लोग इंटीग्रेटेड भी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद रिकंसिलिएशन कैसे करने का उसके बारे में भी भी आपको जानकारी दूंगा राइट सो दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू गाइस अंडरस्टूड यहां तक के जर्नल एंट्रीज कॉन्सेप्ट वेरी इजी आज कुछ बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स उठाना जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कुछ क्वेश्चन आएंगे उसको निपटा देना ठीक है यस सर थैंक यू वेरी मच गाइस बाय बाय टेक केयर सर कल से टाइमिंग थोड़ा इंक्रीज कर लो भाई टाइमिंग इंक्रीज करने का कोई दिक्कत नहीं है बट मैं सुबह नौ बजे से लेके मतलब शाम तक मेरे लेक्चर्स चालू है ब्रो उसके बाद मैं घर पे आता हूं थोड़ा बहुत रेस्ट करता हूं देन अगेन आई हैव माई डिनर एंड देन आई कम बैक टू टेक योर लेक्चर ठीक है एंड देन अगेन टुमोरो मॉर्निंग आई हैव फुल डे लेक्चर्स माई रेगुलर बैचेज आर गोइंग ऑन तो बहुत बैंड बजता है किसका गले का थक जाता हूँ तो इसीलिए बाकी कुछ नहीं नहीं तो टाइमिंग तो भाई पढ़ाने का ही है मेरे को तो ठीक है ना आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड राइट सो थैंक यू बाय बाय टेक केयर हैव अ गुड नाइट हैप्पी स्टारिंग हैप्पी सॉल्विंग दीज क्वेश्चन बाय बाय टेक केयर